आने के बाद हम लोग, भाई भी सो गया था, हम लोग भी सारे के सारे सो गए थे। 1:30-2 बजे 8-10 लड़के आते हैं तो हमारा लोहे का गेट है, पहले खूब उसे पीटा है, ईंट बरसाई है, डंडे बरसाए, तलवार लेके आ रखे थे, पिस्टल लेके आ रखे थे, मतलब ललित को ख़त्म करने के लिए। तो हमने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसके बाद वो चले गए। उसके बाद जाने के बाद फिर हम थोड़ी देर के बाद हमने दरवाज़ा, हमने अपनी मौसियों को फ़ोन करा, मोहल्ले पड़ोस को फ़ोन करा। जब सारे के सारे हो गए तो हमारा हौसला हिम्मत बन गई थोड़ी, काफ़ी सारे हो गए, हम नीचे आ गए। मेरी एक छोटी बहन हमारे बराबर में रहती है, एक मुनिरगा में रहती है, उसे भी फ़ोन करा, वो भी आई थी। तो ये हमारे को ये पता था वो दोबारा नहीं आएंगे, हमें पता था दोबारा नहीं आएंगे। 3:30-4 बजे कम से कम 10-15 जने होंगे या ज़्यादा ही होंगे, मैं पता पक्का नहीं बोल सकता, ज़्यादा ही होंगे, सारे हथियार के साथ। तो मेरा भाई वहाँ खड़ा था, मैं यहाँ खड़ा था, और पूरा कम से कम हम ऐसी बात कर रहे थे जैसे जब हादसा होता कोई तो बातचीत करने लग जाते हैं। हमें ये नहीं पता था वो दोबारा भी आएंगे। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने ना आओ करी, ना ताओ करी, ना पूछ करी, ना गाच करी, मेरे भाई पे फायरिंग करने लग गए वो। तो तुरंत ही फायरिंग करने लग गए, तुरंत ही मेरी बहन जो छोटी वाली थी वो बीच में पड़ गई, बड़ी वाली थी वो बीच में पड़ गई, वो ख़त्म हो गई, मेरे भाई के गोली छू के निकल गई यहाँ से। एक की थी 35 साल के करीब से ऊपर, और एक की थी 27-28 साल। छोटी वाली पे 3 है और मेरी बड़ी वाली पे 2 हैं, लड़की है बड़ी वाली पे, और मेरी छोटी वाली पे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। रात में जो लोग आए थे किसी को पहचानते हैं? एक यहाँ केडी कॉलोनी का एक वो है, क्या नाम है उसका नाम सोनू सट्टे वाले के लड़के थे वो। हाँ जी।